हाँ तो देखो, हम जब भी इसलैंड एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं और वहाँ पर कोई भी ऐप लोन करने जाते हैं तो वहाँ पर उसका पेंडिंग प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसलैंड का पेंडिंग प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर शुरू से दिखाऊँगा एक बार इसलैंड ऐप को डाउनलोड करते से। तो मैंने यहाँ पर इसलैंड एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। उसके बाद मैं पूरा दिखाऊंगा कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस से वहाँ पर जो पेंडिंग का प्रॉब्लम आता है और बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पर चले जाऊँगा। देख सकते हैं यहाँ पर इसलैंड का लोगो आ चुका है। उसके बाद मैं प्रोफाइल को यहाँ पर सेटअप करूँगा। और इसलैंड का प्रोफाइल सेटअप करने में अगर कोई सा भी दिक्कत आ रहा है, कुड नॉट सेटअप प्रोफाइल आ रहा है, तो मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दे दूँगा, उसको देख लेना, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर प्रोफाइल यहाँ पर सेटअप हो रहा है, तो यहाँ पर सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। 2000 years later. तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर प्रोफाइल सेटअप हो चुका है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर प्रोफाइल सेटअप हो चुका है। और प्रोफाइल सेटअप होने जाने के बाद कुछ ऐसा आइकॉन आ जाता है। तो हम पहले क्या गलती करते थे, यहाँ से उनको खोलते सेटअप हो जाने के बाद ही तुरंत हम कोई से भी ऐप का यहाँ पर हम ये करते हैं, मतलब इस ऐप का हम क्लोनिंग करते हैं, मतलब कोई से भी ऐप का अब तुरंत यहाँ पर आप क्लोनिंग करते हो, ठीक है। आपको तुरंत क्लोनिंग नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर क्लोनिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस लैंड के ऊपर क्लोनिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये क्लोनिंग हो रहा है। तो यहाँ पर ये पेंडिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पर पेंडिंग दिखाता ही रहता है, यहाँ पर होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे ही दिखाता ही रहता है। हम गलती क्या करते हैं, हम इसलैंड ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ही सिर्फ प्रोफाइल सेटअप करने के बाद ही यहाँ पर क्लोनिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देख सकते हैं यहाँ पर हो भी हो चुका है, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद यहाँ पर क्लोनिंग करने की कोशिश की, ठीक है। आप क्या करते हो, यहाँ पर इसलैंड ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ही मेनलैंड में जाकर भी आप यहाँ पर क्लोनिंग करने की कोशिश करते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप जब इसलैंड सेटअप हो जाएगा, तो आपका जब ऐसा सेटअप हो जाएगा, तो इसलैंड एप्लीकेशन को आपको बैकग्राउंड से क्लियर कर देना है, ठीक है। बैकग्राउंड से क्लियर कर देना है और एक दो बार आपको इसलैंड एप्लीकेशन को खोल के बस चेक कर लेना है, ये सारा कुछ ठीक है या ना, यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर एक बार खोल के चेक कर लेना है, ठीक है, कि ये सारा तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है और ये सारा ऐसा कुछ ठीक है, तब उसके बाद जाकर आपको क्लोनिंग करना है, ठीक है। नहीं तो इसलैंड का ऐसा प्रॉब्लम आएगा, मतलब क्लोनिंग का पेंडिंग ही रहेगा, क्लोनिंग नहीं भी होएगा। और अगर आप यहाँ पर इसलैंड को दो तीन बार ऐसे क्लोज कर देते हो, क्लोज कर देने के बाद जाकर आप क्लोन करते हो, तो तब भी क्लोनिंग नहीं हो रहा है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। तब आप काम कीजिएगा, तब थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट के बाद आप क्लोन करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब ये तुरंत सेटअप हो जाने के बाद ही आप क्लोनिंग करने जाते हो, तो वहाँ पर सेटअप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये इसलैंड थोड़ा वर्क प्रोफाइल को प्रोसेस करता है हमारे फ़ोन में, तो तब ये थोड़ा बैकग्राउंड में रनिंग चलता है, तो इसलिए ये कोई भी एप्लीकेशन को कॉलिंग नहीं कर पाता है, तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिएगा, आप तुरंत जाने की बात कोशिश करते हो, और आप अगर कोई से भी बड़ा फाइल या फिर कोई से भी बड़ा आपको क्लोनिंग करने जाओगे, तो वहाँ पर थोड़ा आपको टाइम लगेगा, यहाँ पर थोड़ा आपको टाइम वेट करना पड़ेगा ताकि क्लोनिंग होने में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर फ्रीटर्न को लगाया था, तो यहाँ पर नहीं आया, तो मैं फिर से एक बार फ्रीटर्न को लगाऊंगा यहाँ पर क्लोनिंग करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लोनिंग करने के लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग यहाँ पर आ रहा है, तो थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका साइज बहुत ही छोटा है, तो इसलिए जल्दी हो जाएगा शायद। लेकिन आपका अगर कोई से बड़ा क्लोनिंग करने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है, तो मुझे यहाँ से परमिशन देना होगा। परमिशन देने के बाद ही मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो परमिशन देने के बाद मैं अगर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर इसलैंड को तुरंत सेटअप करने के बाद ही आपको क्लोनिंग नहीं करना है, तो आपको थोड़ा देर बाद आपको क्लोनिंग करना है, मतलब 5-10 मिनट या के बाद। अगर कोई से बड़ा ऐप हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, नहीं तो यहाँ पर क्लोनिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर देख सकते हो, हालांकि यहाँ फ्लीटर के मैंने जो क्लोनिंग करने दिया था, तो ये हो चुका है। तो यहाँ पर भी अगर जाके आपको यहाँ पर टैप करोगे, तो यहाँ पर अलाइव दिखाएगा, देख सकते हो अलाइव यहाँ पर हो चुका है। तो मैंने जो जो बात बोला वही ध्यान रखो। तो यहाँ पर इसलैंड का आपका क्लोनिंग प्रॉब्लम का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है, तो इसलैंड का परमिशन में जाकर, ऐप में जाकर आपको परमिशन यहाँ पर सारा कुछ दे देना है, ताकि ये अच्छी तरह से वर्क कर सके, यहाँ पर जो परमिशन है। तो यहाँ पर जो परमिशन, आप यहाँ पर परमिशन ऑटोमेटिक ये ले लेगा। तो यहाँ पर अगर
परमिशन देना, अगर यहाँ पर शो कर रहा है तो दे देना, अगर शो नहीं कर रहा है तो कोई ठीक है, और परमिशन आपको सारा देना, नहीं तो यह तो ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे एक बार टेलीग्राम चैनल में जरूर बता देना। तो ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। तो ठीक है, आज के लिए इतनी था इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।